Hello students, welcome back again. We have done the summary in our previous video. If you want to see, then subscribe my channel and please share and like and also press the bell icon so you will get first notification of my video. We have discussed a teacher is a person who has a great responsibility towards the students and the society as well. This poem is addressed to teachers who serve as friends, philosophers, and guide for their students. The poet has compared teachers to different seasons. He says that a teacher showers his or her love, affection, and concern towards his students by rendering means translation, his or her unconditional love and support to her or his students. So we have already discussed this summary. Now we will do the question answers. Okay, let's see. Yes, as you can see on your screen, in yellow box there is a word meaning given. So please note down this word meaning in your notebook. See the first question given here. Answer these questions. Okay, why does the poet compare a teacher with the spring season in the first stanza of the poem? We had already discussed this in the first season. Why the poet compares a teacher with the spring season? So the poet compares a teacher with the spring season because it nurtures the small and tender sapling. It helps them to grow and become strong. Similarly, a teacher cares and protects his students while they are growing and developing. A teacher plays a huge role in the overall development of a child. जैसे कि मैं आपको explain कर चुकी हूँ, आपके spring season यहाँ पे क्यों show किया है poet ने, इसलिए क्योंकि जो है nurtures means to see here केयर, आपकी केयर करती है टीचर्स आपकी, है ना. जैसे स्मॉल आपके ये स्प्रिंग सीजन में स्मॉल स्मॉल प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो हियर स्मॉल एंड टेंडरिंग सैपलिंग. सैपलिंग मीन्स होता है यंग ट्री. ओके, जैसे यंग ट्री, और टेंडरिंग मीन्स होते हैं सजेशंस. तो यहाँ पर आपकी जो है, बिकॉज इट नर्चर्स द स्मॉल एंड टेंडर सैपलिंग. जैसे छोटे बच्चा होता है स्कूल में, तो उसको कैसे प्लांट्स की तरह उसको गाइडलाइंस ग्रो करता है, जैसे प्लांट्स जैसे ग्रो, तो अच्छे से गाइडलाइंस उसको स्टार्टिंग से टीचर प्रोवाइड करती है. इट हेल्प देम टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, जैसे कि वो ग्रो अच्छे से हो और बिकम स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रांग बने आगे. सिमिलरली उसी तरह टीचर्स हमारी केयर्स करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं जब हम जो है ग्रो करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, किस डेवलपिंग करती है. तो टीचर प्लेज अ ह्यूज रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. नाउ सी द सेकंड, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब अ टीचर एज अ समर. क्यों पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है टीचर को एज अ समर? बिकॉज इन द समर सीजन द सन शाइन्स एट इट्स फुल स्ट्रेंथ. जैसे गर्मी बहुत तेज पड़ती है, आपको पता है समर में, है ना, ऐसे ही. सिमिलरली टीचर टीचेस हिज स्टूडेंट्स इन एन इंटरेस्टिंग वे. और जो है टीचर क्या करती है, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से अपने चैप्टर्स को क्लियर करती है हमारे लिए, सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड मेक देयर फ्यूचर ब्राइट. हम उसको अच्छे से समझ सके और उससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए, है ना. सो सी द थर्ड, द पोएट सेज दैट द टीचर टीचेस अ लेसन ऑफ ब्राइट कलर्स. व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे हियर? क्या कहना चाहता है इसे लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर्स में? द पोएट वांट्स टू कन्वे हियर दैट द टीचर टीचेस इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग लेसन हमें पढ़ाती हैं और इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ाती हैं. हिज टीचिंग मैथड इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड द स्टूडेंट्स ग्रास्प द लेसन हैपली. ग्रास्प मीन्स हियर सेंस और कंप्रीहेंशन, जैसे आपको समझाती है आपको चैप्टर अच्छे से यहाँ पर टीचर्स. ओके, नाउ विच सीजन पर्सोनिफाइज द वार्मथ ऑफ अ टीचर्स? सो हियर द पॉइंट द इन द विंटर सीजन पर्सोनिफाइज द वार्मथ ऑफ अ टीचर्स. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आर अदर्स क्वेश्चंस. सो वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल.